फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय न्यू क्रिएटिव वीडियो। तो फ्रेंड्स आज हम बनाने वाले हैं डंबल, जो कि फ्रेंड्स हमारे हाथ की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स डंबल बनाने के लिए हमें कुछ इस तरीके के पीवीसी का पाइप चाहिए होगा, जो कि फ्रेंड्स 32 सेंटीमीटर का है। एंड फ्रेंड्स हमें इसमें दोनों तरफ कुछ इस तरीके के होल कर लेने होंगे, जो कि मैंने फ्रेंड्स इसमें कर रखे हैं। एंड फ्रेंड्स हमें इसमें फिनर की हेल्प से इसको यहाँ से रफ करना होगा। कुछ इस तरीके से फ्रेंड हमें इसको दोनों तरफ से रफ करना होगा, जिससे फ्रेंड्स सीमेंट जो है अच्छे से इस पर कवर हो जाए। एंड फ्रेंड्स हमने जो होल किए हैं इनमें फ्रेंड्स हम कुछ इस तरीके की पेंस लेंगे, जो कि फ्रेंड्स 3 रुपए वाली है। एंड फ्रेंड्स हम इनको इसमें इस तरीके से लगा देंगे। एंड फ्रेंड्स इनका यूज़ मैं आपको जब मैं इसको बनाऊँगा तब मैं आपको बता दूंगा। तो फ्रेंड्स मसाला बनाने के लिए हमें चाहिए होगी थोड़ी सी बजरी, और फ्रेंड्स अभी हम इसमें सीमेंट मिलाएँ, थोड़ी सी सीमेंट मिलाएंगे कुछ इस तरीके से। एंड फ्रेंड्स अभी हम इसमें थोड़ी सी गट्टी मिलाएंगे। एंड फ्रेंड्स अब हम इसमें पानी मिलाकर इसका मसाला बनाएंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि हमने इसका जो मसाला है वो बनाकर तैयार कर लिया है। तो फ्रेंड्स अब हम इसको रखते हैं साइड में। एंड फ्रेंड्स बताते हैं कि तो फ्रेंड्स हम अपना डंबल जो है इस बॉक्स में बनाएंगे। तो फ्रेंड्स हम इसमें कुछ इस तरीके की एक पन्नी को बिछा लेते हैं, ताकि फ्रेंड्स ये हमारा डब्बा जो है इसमें ऐसी बाद में आसानी से बाहर आ जाए। तो फ्रेंड्स हम इसको अच्छी तरीके से बिछा लेंगे। तो फ्रेंड्स अब जो है ये जो हमने डंडा लिया था पीवीसी का पाइप का, तो फ्रेंड्स अब हम जो है इसको इसमें लगा देंगे। फ्रेंड्स हमने जो ये पेन इसलिए लगाई थी ताकि ये बाद में सेट होने के बाद ये जो अच्छी पकड़ कर ले सीमेंट का मसाला। एंड फ्रेंड्स ये जो पाइप है इसमें से बाहर ना निकले। चलिए फ्रेंड्स अभी हम इसको इसमें मसाले को टिप बॉक्स में भरते हैं। फ्रेंड्स इसके ऊपर ऊपर जो है हम इसमें मसाला सा लगाएंगे, ऊपर गिट्टी नहीं आने देंगे, जिससे ऊपर से ये अच्छा प्लेन हो जाए। फ्रेंड्स अभी हम इसको थोड़ा सा फूंक लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम इसको थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए रख देते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स बाहर निकालने के लिए हमें पहले इस डिब्बे को काटना पड़ेगा, तो हम इस डिब्बे को काट लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरीके से यहाँ पर मैंने दोनों तरफ दो दो कट लगा लिए हैं। तो फ्रेंड्स अब हम इसको बाहर निकाल कर बाहर निकाल लेते हैं। इसी तरीके से इसकी पन्नी को भी हम हटा लेते हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना अच्छा डंबल बनकर तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हम दूसरा डंबल भी बनाकर तैयार कर लेंगे।